जैसा कि आप सभी किसान साथी जानते हैं कि मार्च का जो महीना है वो स्टार्ट होने वाला है। मार्च के महीने में गेहूं वाले जो फार्मर है उनको दो बातों का ध्यान रखना काफ़ी अनिवार्य रहता है। पहला तो ये कि हमें आखिरी जो सिंचाई है, जो पानी है, वो गेहूं को कब देना है। दूसरी बात रहती है कि हमें आखिरी जो पानी है वो बंद कब करना है, यानी कि हमारे गेहूं की कौन सी जो स्टेज है वो होनी चाहिए, वहाँ पर हम आखिरी जो पानी है वो बंद कर दें। तो दोनों बातों को आपको बड़ा ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा या फिर सोचना पड़ेगा। किसान साथियों, सबसे पहली बात आती है कि हमें गेहूं का जो आखिरी सिंचाई है वो कब करना है। इसके सबसे बड़े जो डॉक्टर है वो आप लोग खुद हो, क्योंकि अगर मैं आपको कहूँगा कि आप फलानी तारीख को बंद कर दो या उस महीने की इस तारीख को बंद कर दो, तो इसका मतलब ये होता है कि हर एक फार्मर के यहाँ जो खेतों की मिट्टी है वो अलग अलग होती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो आइडिया वो गलत हो जाता है। तो आप कृपया करके प्रतिवर्ष जो गेहूँ की आप बिजाई करते हो तो आपको पता है कि हमें जो लास्ट पानी है वो कब तक देना चाहिए, तो इस बात का जो आप डिसाइड है वो खुद फार्मर करेगा। मैं आपकी छोटी सी हेल्प ये कर देता हूँ कि आपको आखिरी जो पानी है वो बंद कब करना चाहिए, ये एक थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीका है। किसान साथियों, गेहूं का पानी अगर आप सही समय पर बंद कर देते हो तो उसमें आपके काफ़ी सारे बेनिफिट हो जाते हैं। पहला तो ये कि आपका जो तूड़ या फिर जो भूसा बनता है वो काफ़ी अच्छा बनेगा। आप देखो अक्सर की जो शाखाएं हैं वो काली पड़ जाती है, क्योंकि हमें लास्ट जो सिंचाई है वो पता नहीं होता कि कब बंद करना है, तो हमारी जो गेहूं है वो गिर भी जाती है। अक्सर काफ़ी सारे फार्मर ये गलती करते हैं कि आखिरी जो पानी है वो काफ़ी हैवी लगा देते हैं। हैवी पानी हमारी गेहूं के अंदर काफ़ी सारे जो नुकसान है वो कर सकता है। हैवी पानी से एक तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि गेहूं ये लगता है कि एक साथ बिल्कुल पक चुकी है, एकदम से जो बालियां हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है। तो ये एक तरीका सबसे बेकार रहता है कि कभी भी आप जो लास्ट पानी है वो हैवी ना दें। दूसरा हम बात करें कि आपको जो लास्ट पानी है वो बंद कब करना है, यानी कि आपकी गेहूं की जो स्टेज है या फिर अवस्था है वो कौन सी होनी चाहिए। आपको मैं दो तरीके बता देता हूँ। पहला तो तरीका ये रहता है कि जब भी आप बाली का जो नीचे वाला हिस्सा है वो देखोगे, जो शाखाएं होती है वो देखोगे, वो हल्की सी अगर पीली पड़नी स्टार्ट हो जाए, जैसे कि आप फोटो के अंदर देख रहे हो तीसरे नंबर वाली जो फोटो है, इस तरह की अगर सिचुएशन आपके खेत में आती है तब जा करके आप अपना जो आखिरी पानी है वो बंद कर सकते हो। ध्यान है कि जब भी आप आखिरी पानी बंद करें तो आपके मिट्टी के अंदर पर्याप्त जो नमी है वो होनी आवश्यक है। अगर किसी किसान साथी को ये जो तरीका है वो मालूम नहीं पड़ता, तो इसके दूसरा तरीका ये रहता है कि आप अपनी बाली में से जो कुछ जो दाने हैं अलग अलग जगह से अपने खेत में से वो निकाल लीजिए। उन दानों को अगर आप दबाओगे तो उसमें से लगे कि आपको जो दूध है वो हार्ड हो चुका है, वो दबाने से दाना तो दबाने से पिचकर है लेकिन जो दूध है वो बाहर नहीं आ रहा, यानी कि बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, तो इस समय आप अपना जो आखिरी पानी है वो बंद कर सकते हो। अगर आपको लगे कि दाना दबाने से आपका जो दूध है वो बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपके खेत के अंदर जो पर्याप्त नमी है वो होनी जरूरी है। अगर आपने सिंचाई नहीं की है तो आपको जो सिंचाई है वो लास्ट देनी पड़ेगी। साथियों, जब भी आप अपने गेहूं के अंदर लास्ट सिंचाई करें तो मौसम को जरूर में ध्यान रखें, क्योंकि मार्च के महीने में काफ़ी जो तेज हवाएं हैं वो चलती रहती है। तो जब भी आप पानी लगाओगे तो जैसे ही आप पानी लगाते हो तो मिट्टी के अंदर जो हमारी जड़ें हैं पौधे की वो नरम हो जाती है, उसके बाद में जो गेहूं गिरने वाली समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखी जाती है। अगर एक बार गेहूं गिर जाती है तो बाद में हमारे दाने का जो साइज है वो बारीक रह जाता है, जिसके कारण हमारी जो पैदावार है वो गिर जाती है। अतः आप गूगल के ऊपर या किसी भी एक्स वाई जेड सोशल मीडिया से आप जो न्यूज़ वगैरह वो ध्यान में रखें कि आगे के 6 या 7 दिन का जो मौसम है वो कैसा रहता है। अगर एक बार आपने सिंचाई कर दी तो आपके खेत में अगर पानी सूख जाता है ना, उसके बाद में जो गेहूं गिरने वाली समस्या है वो नहीं देखी जाती। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।